फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं राजस्थान, मतलब अपने ससुराल जा रही हूँ। और ससुराल क्यों जा रहे हैं, मेरे दादा ससुर जी की डेथ हो गई है, तो इसलिए मैंने इतने दिन से व्लॉग भी बीच बीच में एक दो डाले पर इतने नहीं डाले क्योंकि डेथ हो गई थी, इस वजह से बंद किए हुए थे। और अभी मैंने कुछ पैकिंग कर ली है, कुछ बाकी है, पर मैंने इतनी सारी पैकिंग करी ना, मैं पैकिंग करते करते पागल हो गई हूँ। मतलब ऐसे समझ ही नहीं आ रहा क्या रखूं, पीछे मेरा खुद का इतना सामान होता है, क्या रखूं क्या ना लूं, ऐसे करते करते ये देखो पूरा कमरा फैला हुआ है। नीचे देखना, अभी तो बहुत नीचे पड़े हैं सारे, ये अभी तो सारा मेरा, चिकू का और सोरू का हुआ है। क्या हुआ, चिकू गिर गया? ठीक है, अभी ठीक कर देंगे। है तो ये सारा सामान मेरा है, और ये वो पीछे दिख रहा है छोटा वाला, वो इन चिकू के पापा का है, पर अभी उसमें कपड़े डाले नहीं, इनके डालने हैं। मैंने कपड़े लगभग डाल दिए, पर पता अभी सर्दी है तो उस हिसाब से सर्दियों के कपड़े भी लेने पड़ रहे हैं, गर्मी के भी लिए मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने वो भी है, ज़्यादा कर सर्दी के कपड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। और उधर फिर मैं, मेरे को ससुराल से मायके भी जाना है, वहाँ पे शादी भी होगी, तो इस हिसाब से मैंने दोनों साइड के कपड़े लिए हैं, तो इसलिए इतना सारा सामान हो गया। मतलब मेरे चिकू के पापा मुझे डांटते भी बहुत है कि तू इतना सामान लेती है, इतना सामान लेती है, पर क्या करूँ। मतलब मेरे को अंदर ऐसे रहता है ये पीछे रह जाएगा, ये मैं पहनूंगी ये पीछे रह जाएगा, तो इस हिसाब से। और दवाइयाँ मैंने सारी यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है, ये मुझे अभी डालनी है दवाइयाँ हैं, और मेरा जो ऑयल है, और जूते चप्पल डालने, अब घर में पहनने के लिए भी डालनी चप्पल और बाहर के लिए भी जूते वगैरह डालने, तो सामान अब नई नई कर रही हूँ। मतलब मैं मन में सोच के कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करना है, फिर भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। और अभी लगी है चिकू को भूख, सोरू को लगी है, तो आज सोरू बोल रहा है मैगी बना दो, तो मैं अभी मैगी बनाऊँगी, तो काफ़ी दिनों से मैगी खाई नहीं है। चिकू एक दिन बनाई थी, मैं फिनू और सोरू ने खाई थी, मैंने नहीं खाई थी। और आज सुबह मैंने सैंडविच बनाए थे, वो एकदम अच्छे उतने आते हैं, तो सुबह सैंडविच बनाए थे जिसका मैंने आलू उबाल के रखे, वो भी थोड़े पड़े हैं, और शाम को ही रवाना होना है। तो अब रात को मैं क्या बनाती हूँ सब्जी, मैं ऐसा ही कुछ बनाऊँगी, पापड़ बनाऊँगी या बढ़िया वगैरह बनाऊँगी, जल्दी से बन जाएगा क्योंकि हरी सब्जियाँ फ्रिज में है। पर क्या है, अच्छा चिपका दे वहाँ पे अच्छे से, मैंने बनाया। अच्छा तूने कैसे बनाया? तो फिर शाम को मैं कुछ ऐसे फटाफट बन जाए वैसा ही बनाऊंगी, ताकि हमारी ट्रेन तो अभी लेट है, रात को 8:30 बजे की है, पर फिर भी जीकू के पापा जल्दी करो ऐसे करके हमें घर से निकाल देंगे। मतलब 9:30 हमें घर से कह देंगे रवाना हो, वहाँ टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स करती हूँ फटाफट काम, काम करने का मन नहीं है, पर मैगी बना लूँ पहले, मैगी बनाती हूँ उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। फ्रेंड्स हमारे जो कल जो मेहमान आए था उनके साथ पता क्या हुआ, वो रात को यहाँ पे उनकी 8:30 ट्रेन थी, खाना वाना खाया, जो इनके फ्रेंड आए थे मैंने आपको बताया, तो वो सूर्य नगरी ट्रेन से गए थे, पाली जाना था उनको, तो पाली से 5 मिनट पहले वो ट्रेन पलट गई थी, कुछ डब्बे पलट गए थे जिनमें वो लोग थे, पर उन्होंने कैसे करके खिड़कियाँ वगैरह तोड़ के बाहर निकले, वो जो आपातकालीन खिड़की बोलते हैं वो उनके जस्ट पास में थी, तो उसको तोड़ा और उन्हें वो लोग बाहर निकले, तो वो 7-8 लोग थे वो बाहर निकले। फिर उन लोगों ने बहुत सारी हेल्प करी, बहुत सारी लेडीज़ को बाहर निकाला, मतलब एक भैया बाहर खड़े रहे एक अंदर थे, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि लेडीज़ को ऐसे कंधे पे उठा उठा के उनको बाहर ऊपर करा और उन्होंने अलग साइड से निकाला, क्योंकि ट्रेन पूरा ऐसे पलट गई थी। और रात को मतलब 3:30 बजे पलटी थी, और उस टाइम क्या होता है कि सबका सोने का, सबको नींद आ रही होती है, तो सब लोग सो रहे थे, और वो जो यहाँ से हमारे मेहमान गए थे तो वो जाग रहे थे, क्योंकि पाली जस्ट 5 मिनट का रास्ता था, तो उनको उतरना था, तो इस हिसाब से वो उठे हुए थे कि भाई 5 मिनट बाद में उठना है। तो जैसे ही ट्रेन में हलचल हुई तो वो कह रहे हम लोग तो पकड़ पकड़ के ऐसे बैठे, फिर भी थोड़ी बहुत तो चोटें आई है, बट ऐसा नहीं कह सकते टूट गया कुछ हो गया, वो नहीं हुआ, पर चोटें लगी थी हल्की फुल्की, पर अच्छा है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। पर ट्रेन पलटती है, पर डर लग रहा है, हमें 2 दिन बाद जाना है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी मैगी बन के रेडी होने वाली है, 5 मिनट की टाइम और लगेगा। तो फ्रेंड्स पता है मुझे मैगी बनाना मेरे भाई ने सिखाया था, जसवंत ने, तो वो उसको पहले से मतलब बनाना सीखा, कोई पड़ोस में दीदी रहते थे उनसे सीखा था उन्होंने, पोंटा में सीखा था, तो फिर मेरे को भी सिखाया था। और जब हम लोग मैगी बनाते थे ना, तब मैं राधे छोटा वाला भाई और जसवंत हम तीनों मिल के बनाते थे, और तीनों गैस के पास से खड़े रहते थे कि जब तक पके ना, और एक भी ऐसे नहीं कि दूर दूर चला जाए,
और फिर जब लेते थे ना तो फिर अक्सर लड़ाई होती, इसने ज़्यादा ले ली, इसने कम ले ली, तो सब तीनों के एक बराबर होने चाहिए, किसी के ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। चित्तू को पानी पीना है, ऊपर नहीं नीचे बैठते, सोर तू भी नीचे उतर, यार पनीर नहीं डालते इसके अंदर। मैंने खाना वाना सबका कंप्लीट हो गया, मैंने भी खा लिया है और इतने सारे बर्तन धो के पूरे हर चीज़ मैंने खाली करके सब कुछ साफ करके रख दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। रोटी का बॉक्स था वो भी धो के, ये दो चार रोटी बची है पड़ोस वाली आंटी को दे देती हूँ ताकि वो सुबह दूध वाले भैया को दे देंगे गाय के लिए, और दूध बचा हुआ है 1.5 किलो दूध है ये, तो ये भी मैं पड़ोस वालों को दे देती हूँ, और पतीला वो देंगे मुझे तो ठीक है बना बाद में आ जाएगा। और ये मैं कर रही हूँ चीकू के लिए गर्म पानी ताकि इसमें भर लूँगी तो रास्ते में उसके काम आएगा, क्योंकि उसको खांसी आ रही है। और आज मैं इतना थक गई हूँ ना, मतलब कंटिन्यू चल रही हूँ, ये डालना कभी ये रह गया यहाँ पे कुछ मच्छर आ जाएंगे, कुछ भी छोड़ूंगी तो बर्तन वगैरह सिंक वगैरह पूरा साफ़ करके सब कुछ साफ़ कर दिया है, और किचन गैस वगैरह भी मैंने पूरा क्लीन अच्छे से जाली से साफ़ कर दिया, और ये पट्टी वगैरह कल अनु आई थी ना तब उसने ये सारी टाइल्स वगैरह साफ़ करी, तो पूरा चमक रहा है किचन मेरा, एकदम बढ़िया हो गया। और अब मैं फटाफट पानी गर्म करती हूँ और कुछ जो बचा हुआ सामान है वो मैं और देखती हूँ, चीकू को खाना खिला दिया, दवाई देनी है, तो दवाई देने के बाद दवाइयाँ अंदर डालनी है, और पहले मैं बोतल भर देती हूँ। आज मतलब मैंने अब आज पायदान भी धो दिए, दो चार पायदान थे तो वो गंदे हो रखे थे तो वो भी धो लिए, कपड़े वगैरह कुछ है नहीं धोने के, तो मैक्सिमम सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, साफ़ सुथरा हो गया पूरा। तो अब जो मेरे पर्स का सामान है वो डालना है, वो डालती हूँ, फ़ोन चार्जर और ये बॉटल भरती हूँ, और दूध देख के आती हूँ, और चिकू को दवाई देती हूँ, मेन काम दवाई वाला है, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। बॉक्स में थोड़ी मिठाई पड़ी है, इसका समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेके जाऊँ या फिर किसी को दे दूँ पास में, पता नहीं ऐसे मुझे, मतलब हमारे पड़ोस वाले उनसे हमारी बातचीत थोड़ी कम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो केरला साइड के हैं तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है तो फिर इतनी बात होती नहीं है, तो इसमें देने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि वो क्या सोचेंगे हमें ऐसे जो भी बचाए दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है, लेके भी क्या जाऊँ, चार पाँच इसमें कितनी मिठाई बची हुई है देखो, पहले तो इतने पीस बचे हुए इसमें बस, इतना भी है तो देख के आने में शर्म आती, मेरे को पहले याद नहीं आया, सुबह बाहर झाड़ू लगाते हैं भैया उनको दे देते, और पूरा काम ख़त्म करने के बाद मुझे 100 रुपये का टिफिन याद आया, बैग में से फटाफट निकाल के लाई, वरना कि वापस आऊँगे तब तक पूरी में बदबू हो जाएगी, किसी काम का ही नहीं रहेगा, तो टिफिन भी धो दिया और अब करती हूँ आगे का काम। सब काम हो गया और अभी हम निकल रहे हैं, और किचन मैंने बंद कर दिया, रेगुलेटर बंद हो गया, और सबको गुड़ दाने वो जब रवाना होते हैं तो गुड़ और साबुत धनिया देते हैं मुँह में, वो भी दे दिया और भगवान के आगे रख दिया, और बचे मेरे सॉक्स जो मैंने पैकिंग करके अंदर डाल दी, मैंने सॉक्स वहाँ पे ठंड पड़ेगी तो आगे ठंड लगेगी रास्ते में, पर अब मैंने जूते निकाले और जूते पहन के जाऊँगी, और ये जूते के डब्बा मेरे को उल्टा रखना था, इसको उल्टा रखती हूँ क्योंकि वाइट जूते मैंने ऊपर रखे पर उसका ढक्कन ऐसे था बार बार खुल रहा था, तो मैं वापस आऊँगी तब तक ये ब्लैक हो जाएंगे मिट्टी से, तो इसको डब्बे को उल्टा रखती हूँ ताकि गंदे ना हो, और अभी हम निकलते हैं। पापा को चिकू ए चिकू ठंड हो गई है बहुत यहाँ पे, सौ को गोली बंद पहना रहे हैं, बहुत ठंड लग रही, मैंने इसको बोला था टोपी पहन के तब तो पहन ही नहीं, और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं पाली, पाली से पहले आता है मारवाड़ जंक्शन वहाँ पहुँचे हैं अभी, और यहाँ से 15 मिनट बाद हम पाली पहुँच जाएंगे, तो सौ हम सब उठ के चिकू को उठा रहे हैं अभी, चिकू को उठाती चिकू उठ जा बाबू, चिकू उठे कौन ने, दादाजी पास चल रहे हम, दादाजी पास, दादाजी दादाजी।